सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हम सब आई आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। आज मैं आप लोगों को पिंक लाइन का काम दिखाने वाला हूं। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो कि पिछली वीडियो में जब मैंने आप लोगों को दिखाया था तब यहां पर एक दो पियर कैप ही बने थे, लेकिन अब देखो कितने सारे पियर कैप बन गए हैं और बनाए जा रहे हैं। जिन पर पियर कैप नहीं बने उन पर सेटरिंग लगी हुई है दोस्तों, पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। और यह है रेड लाइन गोकुलपुरी मेरे पीछे, तो तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ से ये पिंक लाइन ये लेफ्ट में कर्व ले लेगी। और देखो पिलर के ऊपर ही दोस्तों बायोडक्ट बनाया जा रहा है पिंक लाइन का, और आगे ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा डबल डेकर पिंक लाइन का कंस्ट्रक्शन, जो कि भजनपुरा और यमुना विहार के बीच में चल रहा है दोस्तों। क्योंकि नीचे भी वाहन चलेंगे ग्राउंड लेवल पर और फर्स्ट फ्लोर पर भी चलेंगे, और उसके ऊपर ये पिंक लाइन मेट्रो दौड़ेगी दोस्तों। और दिल्ली सरकार बनवा रही है इसको, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और सामने ये है दोस्तों गोकुलपुरी स्टेशन रेड लाइन दोस्तों, और ये सीधा चला जाता है लोनी के लिए आगे से दोस्तों। तो यही काम चल रहा है, चलिए और पास चल के आप लोगों को दिखाते हैं चल के वहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है दोस्तों। पिंक लाइन मेट्रो को बनाया जा रहा है, देखो वो टीम वहाँ पर लगी हुई है ऊपर, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, देखो टीम लगी हुई ना उस साइड में भी। तो क्यों आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर ये पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को बनाने का काम किया जा रहा है। और दोस्तों नीचे से एक तो रोड ये लेफ्ट में चली जाती है सादरा के लिए, और मेरे राइट में चली जाती है लोनी बागपत के लिए। तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को भी बनाया जा रहा है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं चल के। अब देखो आप सभी किस तरीके से यहाँ पर पिलर के ऊपर ही बना रहे हैं बायोडक्ट को, चलो चलो देखो ऐसा ये घूमता है, यहाँ से कर्व ले लेगा और ये पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो हीरो को, देखो इस तरीके से ये बनाया जा रहा है बायोडक्ट को पिलर के ऊपर ही, और इसका ये लॉन्चर है जो लगाते हैं इसमें सेटरिंग लगाते हैं दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों भरा काम होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और इधर ये चला जाता है सीधा जीटीबी हॉस्पिटल के लिए, सीलमपुर सादरा इधर चला जाएगा, और इधर देखो गोकुलपुरी का ये मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का, और इधर ये सीधा चला जाएगा लोनी बागपत के लिए दोस्तों। और देखो दूसरा बायोडक्ट ये रोड को क्रॉस करने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है तो इसीलिए यहाँ बायोडक्ट को ऊपर ही ऊपर पिलर के ऊपर ही ऊपर कनेक्ट करने का काम किया जाएगा दोस्तों, जोड़ा जाएगा एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों। देख सकते हो आप लोग, देखो ऊपर वो लॉन्चर लगा हुआ है, फिर उसमें वो जंजीरें डाली हुई हैं, फिर इस भी इसी तरीके से यहाँ पर ये सरियाओं का जाल बनाएंगे और फिर इसमें कॉन्क्रीट भर देंगे, तो यही काम है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं चल के, देखो इसका भी पियर कैप बन गया, उन पर दो ये तीन पियर रह गए हैं जिन पर पियर कैप का काम किया जाना, और वो आगे बचे हुए हैं तो वो भी आप लोगों को चलिए दिखाते हैं चल के। इस पर सेटरिंग लग गई है, देखो इस पर भी पियर कैप बनाए जाएंगे अभी, और इधर तो ये बन चुके हैं और कुछ पिलर ये बचे हुए हैं। चलते रहो चलते रहो, ये बीच का पियर बचा हुआ है, देखो इस पर सेटिंग लगाकर ये इसको ऊपर बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। देखो इसको भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो टीम लगी हुई है दोस्तों पिंक लाइन मेट्रो का, और ये जो बायोडक्ट को कनेक्ट करा था ये पहले ही कर दिया था दोस्तों। देखो यहाँ पर ये यमुना बिहार का मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, साइड में बस स्टैंड, देखो लॉन्चर लगा हुआ है, इस तरीके से ये बिंग्स को जोड़ने का काम किया जाता है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो मेट्रो स्टेशन पर अब देखो कौन कौन लेवल बनाया जा रहा है, ये पिंक लगा ये बिंग्स को लगाने के बाद में देखो ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है,
गटर्स लॉन्चिंग हो जाने के बाद में दोस्तों फिर इसका कॉनकोच लेवल बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से काम किया जा रहा है देखो, और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 1.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर मेट्रो पिंक लाइन कंस्ट्रक्शन दोस्तों। देखो अभी इसमें भी ये बिंग्स को ऐड किया जाना है और इसको जो फुट ओवर ब्रिज है इसको हटाया जाएगा यहाँ रास्ते से दोस्तों, जो कि अभी नहीं हटा है और जल्दी हट जाएगा। अब देखो डबल डेकर पिंक लाइन का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से चल रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ये मेरे लेफ्ट वाला है यमुना बिहार और राइट वाला है दोस्तों भजनपुरा। तो ये एक किलोमीटर लंबा जो बायोडक्ट है वो किया जा रहा है कंप्लीट दोस्तों। देखो टीम वहाँ पर लगी हुई है जो शटरिंग लगा कर और फ्लोर वर्क करने का काम किया जा रहा है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। क्योंकि इसमें जैसे जैसे यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर देते हैं एक प्लर से दूसरे प्लर के बीच में, फिर उसके बाद में शटरिंग लगा कर और देखो फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों, और साइड में पैराफिट वॉल भी बनाए जाएंगे जो कि सरियाओं का जाल तो बना दिया इन्होंने, लेकिन अभी शटरिंग अभी इन पर फ्लोर वर्क किया जाना दोस्तों। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, देखो किस तरीके से लंबा चौड़ा भाई साहब बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर पिंक लाइन का काम चल रहा है, और बढ़ते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी। अब देखो आप लोग देखो ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है, ये देखो फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों, जो कि ये 4 लेन का डबल डेकर मेट्रो का जो ब्रिज बना रहे हैं वो 4 लेन का होने वाला है। अब ग्राउंड लेवल पर भी वाहन चलेंगे और सेकंड लेवल पर भी भाई साहब गाड़ियां दौड़ेंगे दोस्तों, जो कि 4 लेन का होने वाला है। तस्वीरें देख सकते हो इसमें 4 गाटर लगाए जाते हैं, 2 गाटर लग चुके हैं, 2 गाटर और रखे जाएंगे। देखो किस तरीके से यहां पर काम चल रहा है भाई, फ्लोर वर्क यहां कंप्लीट कर लिया जा चुका है इस जगह, और यहाँ पर भाई साहब इतना ज़्यादा जाम रहता है क्या ही बताएं आप सभी को। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये भजनपुरा में भाई साहब और यमुना विहार के सामने भाई साहब ऐसे ही जाम का सामना करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा ये बस वाले भाई साहब जाम लगा कर रखते हैं, कहीं ही खड़ी कर देते हैं सवारियों के चक्कर में, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा जाम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो कोई नहीं, आप लोग ऐसे ही अपडेट्स इंजॉय करो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक देखो गाटर लॉन्चिंग का काम हो चुका है दोस्तों, और फ्लोर वर्क भी हो चुका है, लेकिन इस पर अभी फ्लोर वर्क किया जाएगा। उधर तो हो चुका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा घनी बस्ती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम जूम रहता है दोस्तों, पब्लिक ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर काम करने में दिक्कत हो रही है। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में आई गटर को लॉन्च किया है दोस्तों, और फिर इससे फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों। और ये देखो
ये डबल डेकर मेट्रो का ही कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहा है इस टाइम पे, काफ़ी लंबा चौड़ा स्ट्रेच है, तो यहाँ तक तो ये दो गाटर रखे हुए हैं, आगे अभी काम चल रहा है, तो वो भी देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है दोस्तों, क्या ही बताएं आपको। देखो ये विंग्स को ऐड कर दिया है दोस्तों, देखो ये जोड़ दिया इस वाले विंग्स को, आगे यहाँ से हट के लॉन्चर उधर लग गया है दूसरे पिलर पे। अब यहाँ पर ये विंग्स को जोड़ा जाएगा दोस्तों, देख सकते हो ये विंग्स को जोड़ेगा ये वाला लॉन्चर दोस्तों, ये लॉन्चर जोड़ेगा इस वाले विंग्स को, और ये भी इधर भी बचे हुए हैं अभी, और जो इधर पिलर बचे हुए थे देखो इसमें सेटिंग लगा के, इसमें रिंग्स लगा के अब इसमें कंक्रीट का मसाला भरा जाएगा, इसको ऊंचा किया जाएगा पिलर को, जो कि आप लोगों ने पहले देखा था जब नहीं था दोस्तों। देखो आप लोग ये लास्ट पिलर है, इसमें विंग्स ऐड किए जाएंगे, विंग्स को ऐड करने के बाद में और फिर इस पे हाई गटर को लॉन्च कर देंगे दोस्तों। एक पिलर पर सेटिंग लगाई जा रही है, अब इसको भी ऊंचा करने का काम किया जाएगा दोस्तों। देखो और यहाँ पर ये पियर कैप लग चुके हैं दोस्तों, देखो इनको भी ऊंचा किया गया है और इस पर सेटिंग लगी हुई है, देखो इसको भी ऊंचा कर दिया है। अभी ये वाले पिलर बचे हुए हैं दोस्तों, इनका फाउंडेशन पर पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया था, लेकिन हम इनको सेटिंग लगा कर ये ऊपर किए जाएंगे दोस्तों। Thank you.
वो खजूरी का पिंक लाइन का स्टेशन है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो कौन कौन लेवल बन गया है, प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है और अभी इस पर रूफटॉप के लिए ऊपर काम भी किया जाएगा दोस्तों। देखो तो यही था, और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केबी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो और ये है दोस्तों खजूरी पिंक लाइन मेट्रो दोस्तों। देखो खजूरी मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन दोस्तों, या यहाँ पर बनाया जा रहा है देख सकते हो। तो इसका कॉन्क्रीट तो बन के कम्प्लीट हो चुका है, प्लेटफॉर्म लेवल पर काम किया जा रहा है दोस्तों। और जैसे ही हम इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के बाद में देख सकते हो अभी आगे के जितने भी पियर हैं उन पर पियर कैप का काम किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।